हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए आज मैं आपको दिल्ली की ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी शेयर करती हूँ। वहाँ की ब्रेड पकौड़ा की बात ही कुछ और होती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। मस्टर्ड ऑयल में आप जीरे का छौंक लगा दें और थोड़ी सी लाल मिर्च। उसके बाद आप अनियन, बिल्कुल बारीक कटा हुआ अनियन डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, चाट मसाला, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, टमाटर और नमक डालकर आप इसको टमाटर के सॉफ्ट होने तक पकने दें। जैसे ही हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा फिर इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू को रफली मैश करके डालें, ज़्यादा मतलब चोखा के जैसा नहीं बना देना है, रफली मैश कर देना है। और फिर इसमें डालें आमचूर पाउडर। मसाला हमारा जितना स्पाइसी चटाकेदार होगी ब्रेड पकौड़ा उतना ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो आप इसमें आमचूर पाउडर स्किप ना करें, आमचूर पाउडर डाल दें। फिर उसको आप आलू को फ्राई करें। देखिए हमारा आलू इस तरह फ्राई होना चाहिए, बिल्कुल हाई फ्लेम पे आप फ्राई कर लें गोल्डन ब्राउन होने तक। और ये वीडियो आप स्किप करके ना देखें, नहीं तो कोई टिप्स ट्रिक्स आपसे मिस हो जाएगी, तो फिर आपकी दिल्ली वाली पकौड़े की टेस्ट नहीं आएगी। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में चाट मसाला ही ऐड कर लें, उससे भी अच्छी टेस्ट आती है। करें अगर आपको दिल्ली वाली ब्रेड पकौड़ा खानी है तो चलिए बातों में मेरी मसाला रेडी हो गई और इसको आप प्लेट में ठंडे होने के लिए निकाल दें। गर्म गर्म ब्रेड में ना फिल करें, नहीं तो हमारी ब्रेड टूट जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारा मॉइस्चर आ जाएगा। तो उधर हमारा आलू का मसाला रेडी ठंडा हो रहा है, उधर मैं बेसन का घोल तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने करीब हाफ के जी बेसन लिया है, उसमें एक चम्मच हींग के पाउडर, नमक और बेकिंग पाउडर डालकर एक घोल तैयार कर लेती हूँ। घोल को ज़्यादा ना पतला करें ना ज़्यादा मोटा करें। तो हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी है। मैंने ग्रीन चटनी भी रेडी कर लिया था और मसाला आलू का भी, बैटर भी। तो चलिए अब बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा। तो देखिए हमारा अभी बैटर थोड़ा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा आप और पानी ऐड कर लें। आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड ना करें बेसन के घोल में, नहीं तो फिर ये हमारी ब्रेड पकौड़ा ऑयली ऑयली बनेगी। आप इसमें बेकिंग पाउडर ही ऐड करें, मीठा सोडा ना ऐड करें। तो चलिए इधर अब हम ब्रेड रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा ब्रेड लिया है, मैदा ब्रेड नहीं लिया है क्योंकि घर में बनाए तो कुछ हेल्दी होना ही चाहिए। तो यहाँ मैंने आटा ब्रेड ले लिया है। आटा ब्रेड पे सबसे पहले आप ग्रीन चटनी लगा लें, फिर आलू इसके ऊपर डाल दें और फिर इसको ऐसे आप अपने मनचाहे शेप में काट लें और फिर इसको उधर मैंने कढ़ाई भी गर्म करने चढ़ा दिया है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करें, लो फ्लेम पे ना फ्राई करें। और फिर इस पे कलछी से, जैसे ही ब्रेड डाला उसके ऊपर कलछी से भी गर्म तेल डालते जाएं तो दोनों तरफ से ये सिकता जाएगा। ये प्रोसेस आप ज़रूर करें और फिर देखिए पलट दें तो तैयार हो जाती है हमारी ये यमी यमी सी दिल्ली स्टाइल ब्रेड। तो चलिए एंजॉय करिए आज आप ग्रीन चटनी के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।